जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस का दोस्तों जो फॉर्म भर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें फोटो आपकी कैसी लगी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने फॉर्म को भर दिया है तो फोटो आपकी कैसी होनी चाहिए जिससे कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इस बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको दोस्तों कंप्लीट जानकारी मिल सके। यहाँ पे देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख लीजिए जो फोटो का साइज़ वगैरह दिया गया होता है कि फोटो कैसे कैसे आपको अपलोड करना है। दोस्तों फोटो का साइज़ 3.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ होना चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। इसके अनुसार आपको जो है वो फोटो अपलोड करना है। दोस्तों फोटो आपका कब का होना चाहिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर जूम करके हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आपका फोटो जो है वो 1 जून 2023 के बाद का होना चाहिए। 1 जून 2023 के बाद का अगर आपका फ़ोटो है तो सही है। दोस्तों अगर आपका फ़ोटो नहीं भी है तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है कि वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन और आफ्टर, मतलब 1 जून के बाद का आपका अगर फ़ोटो लिया गया है तो आपको यस करना होता है, अगर नहीं लिया गया तो नो करना होता है। अगर नो करेंगे तो आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए आपको यस करके आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों 1 जून के बाद का आपका लेटेस्ट फोटो कुल कहने का मतलब है वो लगाना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो, बेटर होता है वो लेटेस्ट फोटो लगाने से। अब बात कर लेते हैं फ़ोटो आपकी कैसी होनी चाहिए, मतलब फ़ोटो पे डेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नाम होना चाहिए क्या, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो आपके यहाँ पे फ़ोटो का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे कुछ दिया गया है कि मतलब आपके फ़ोटो में ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर वगैरह नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। ज़्यादा पास से अगर फ़ोटो होगी तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। कैप वगैरह तो लगाना ही नहीं होता है, एकदम कोई इन्वर्टेड फ़ोटो नहीं लगाना है। ब्लर फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्लर वाले जितने भी इस टाइप के आपके अगर फ़ोटो दिख रहे हैं तो ये सारे दोस्तों 100% रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे फ़ोटो ही उल्टा हो गया है, ये तो पक्का रिजेक्ट होगा। यहाँ पे फ़ोटो में कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आप चश्मे के साथ अगर फ़ोटो लगा लेते हैं, अगर आप चश्मा भी लगाते हैं कोई पावर वाला, तो चश्मे को निकाल के फ़ोटो क्लिक करवाना है। फेस जो है वो तिरछा नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोटो स्कैन करने में अगर कंप्यूटर से दिक्कत आ रही है, अगर इस प्रकार छोटा हो जा रहा है, तो भी वहाँ पर फॉर्म 100% आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि दिखाया गया कि देख लीजिए यहाँ पे एक वाइट चश्मा लगाया गया, मतलब पावर वाला चश्मा है, इस फोटो को भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको फ़ोटो, ये सारे फ़ोटो दिया गया है मतलब एग्जांपल के तौर पे कि आप सभी को ये फ़ोटो जो इग्नोर करना, इन सभी ऐसा अगर फ़ोटो होगा तो आपको सही कर लेना, आपका जो फ़ोटो एक्सेप्ट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जो आपका फ़ोटो एक्सेप्टेबल यहाँ पर फ़ोटो होगा वो फ़ोटो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है कि मतलब आपका इस पर ना कोई डेट ऑफ बर्थ दोस्तों उसको दिया गया है, ना ही कोई डेट लिखी गई। डेट लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, ना ही नाम लिखना ज़रूरी होता है, मतलब आप इस पर कुछ लिखिए मत, आपको सिंपल फ़ोटो इस प्रकार से हो जाए, हो मतलब बैकग्राउंड कोई भी हो, फ़ोटो एकदम साफ़ होना चाहिए, दोनों कान यहाँ पे साइड से दिखने चाहिए, तभी पता चलता है कि हाँ फ़ोटो जो है वो एकदम सीधी है, वरना वो तिरछा में वो काउंट कर लिया जाता है। तो फ़ोटो का बैकग्राउंड आपका जो है वो कोई भी हो, ब्लू हो, रेड हो, वाइट हो, मैटर नहीं करता, लेकिन फ़ोटो आपका जो है वो सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो आपका फ़ोटो एक्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों, वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, वरना आपका फॉर्म दोस्तों वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 100% मैं बता रहा हूँ आपका फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत आ गई फोटो में तो आपका दोस्तों वो करेक्शन की विंडो ओपन होगी, तो आप उस फोटो में जो है आप करेक्शन कर लीजिएगा, वरना आपका फॉर्म दोस्तों वो 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका फ़ोटो होना चाहिए, तभी फ़ोटो आपको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिससे कि उनको भी जानकारी मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।